हमको जवाब चाहिए कि 10 साल में नल नहीं बना। अब आप कहते हैं कि आपसे वोट मांगने आएंगे, काम करने नहीं आएंगे। अगर आप वोट मांगने आइएगा तो काम का जिम्मेदारी भी आपका है। ये कौन लड़का खड़ा है जो सड़क बनवाने के लिए विधायक साहब से उलझ रहा है? अरे भाई, ये जो सफेद कुर्ता पहने खड़े हैं, ये बिहार की कुर्ता विधानसभा से विधायक हैं सत्यदेव सिंह, जेडीयू नेता हैं जनाब, कोई हल्के में ना ले ले। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो वोट मांगने गए, लेकिन इनके गले ये जनता ऐसे पड़ गई जैसे गले में सांप। कुछ दिन पहले का ये वीडियो है, एक बार देखिए तो जरा। नहीं, हमने सुना आप इस 10 साल के नहीं, हमको जवाब चाहिए कि 10 साल में नल नहीं बना। अब आप कहते हैं कि आपसे वोट मांगने आएंगे, काम करने नहीं आएंगे। अगर आप वोट मांगने आइएगा तो काम का जिम्मेदारी भी आपका है। अगर काम नहीं बनेगा तो अलग तरीके से स्वागत कर लेंगे। हम नहीं कर रहे हैं, हम स्वागत अलग तरीके से करेंगे, अलग तरीके से। आज ये कोई तरीका नहीं कि आप जनता के पास 5 साल में आइए, चाय ले आवा हो, तनी नाश्ता ले आवा हो, आराम से बैठ रहा अपने नली में सुता रहा, नेता के वतन चुमा रहे समय ना। ये सर सत्ता में बैठ के काम मत कीजिए सर। मेरी बात सुनिए कहीं नहीं, हम आपकी बात को सुनने के लिए आपके पास ना जाएंगे सर। आज आप मेरे पास आए हुए हैं ना, आपके पास हम पास होंगे क्यों नहीं किया, ना जरूरत हमको पड़ेगा। आपसे हमको बस इतना ही रिक्वेस्ट है सर कि मेरा बस सिंगल है वो काम, सिंगल की गली मेरा बनवा दीजिए, बनवा दीजिए। हम आपके पास कहा जाएंगे सर, आपके नहीं, हम नहीं आपके पास आएंगे। आप मेरे पास वोट मांगने हम सत्ता के पास नहीं जाते हैं, हम सत्ता के पास नहीं जाते, हम आपके पास नहीं जाएंगे। आप वोट मांगने आते हैं ना। अब देखिए जरा कैसे बेइज्जत हो रहे हैं कुम्हारार के विधायक साहब। बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इनका दुख जनता से बड़ा नहीं है जनाब। जेडीयू के विधायक अरुण कुमार सिन्हा को जनता ने वोट के लिए मुंह ही नहीं खोलने दिया। विधायक जी के आने पर भीड़ तो लग गई, लेकिन विधायक जी को सुनने के लिए नहीं, बल्कि उनको भर भर के सुनाने के लिए आए तो थे वोट के लिए, बदले में मिल गई गालियां। तो विधायक साहब कैसे बोलते? बिहार के नेताओं का जनता की गलियों में जाना दुश्वार हो गया है, इसलिए 7 दिन में दूसरी बार आए जेडीयू के विधायक उमेश कुशवाहा को देखकर यहां के युवा तो इतना गुस्सा हो गए कि उन्हें मारने दौड़ पड़े। बस क्या था, किसी तरह परिवार मोहल्ले के लोगों ने लड़के को पकड़ा, वरना विधायक साहब जैसे आए थे वैसे तो जा ना पाते। अब तो उमेश कुशवाहा जी चुनाव से पहले इस इलाके में ना दिखने वाले भैया, जरा देखें तो कैसे बचे विधायक साहब। इसलिए कहते हैं भैया, जनता को जितना बेवकूफ नेता बना जाते हैं, उतनी बेवकूफ भी नहीं है ये जनता। जब हिसाब लेने पर आएगी तो ऐसे ही निपटेगी। इसलिए नेताजी, आटे में नमक की जगह नमक में आटा डालोगे तो यही हाल होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।